नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है K2S न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। सवाई माधोपुर जिले की तहसील गंगापुर सिटी के मिनी सचिवालय में जागरूक नागरिक राहत अली ने उपजिला कलेक्टर को POS मशीन द्वारा अवैध रूप से किए गए मल्टीपल ट्रांजैक्शन मामले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन दिया। सूत्रों के मुताबिक ये मामला वर्ष 2017 का है, जिसमें जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर ने POS मशीन द्वारा अवैध ट्रांजैक्शन करने के कारण नौचित मूल्य दुकानदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए, परंतु उनमें से केवल 3 राशन डीलरों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई गई। बाकी 6 डीलरों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापनदाता ने शेष सभी डीलरों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। आइए देखते हैं मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। 2017 का मैटर है, मैं पिछली कई बार आपको भी देखता हूँ, कोई सुनवाई नहीं आता। आज जो ज्ञापन दिया उसके बारे में क्या कहना सर आपका? मेरा ये कहना है कि रसद का बहुत बड़ा घोटाला है, ये पिछले 2017 से अब तक चल रहा है। मैंने कई बार इनको शिकायत दे दी, ATM साहब को दे दी, कई ATM साहबों को दे दी, उसके बाद भी कुछ इन्होंने करा नहीं है। पुरुषोत्तम अग्रवाल एक डीलर था पहले, और पत्रकार के नाम पे दम पे मतलब उन्हें लाखों करोड़ रुपए घोटाला किया, जिसका मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, आज भी सबूत रखता हूँ, पर उसका आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ पत्रकारी के दम। तो पहले भी कार्रवाई के लिए आपने ज्ञापन दिया क्या? जी हाँ, कई बार दे चुका हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इनकी सबकी सुनवाई हो और इनसे जो गबन किया उसका रिटर्न लिया जाए गवर्नमेंट को। ठीक।